गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं संविधान की भाषाओं के बारे में, जो संविधान में भाषा दी गई है अनुसूची नंबर 8 की बात होगी। तो आज जो भाषा है, भाषाओं से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संविधान कितनी भाषाएँ हैं और नोट पर कितनी भाषाएँ हैं, सबसे ऊपर नोट पर कौन सी भाषा है, सबसे नीचे कौन सी भाषा है, कौन सी विदेशी भाषा है हमारे संविधान में, भारत के सबसे बड़े राज्य की किसकी भाषा संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो ये सब हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं 8वीं अनुसूची, संविधान में उल्लिखित भाषाएं। तो देखना भाषाएं कितनी हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। एक तो संविधान में कहां पर उल्लेखन इनका उल्लिखित किस में है, 8वीं अनुसूची में, 8 शेड्यूल में। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितनी हैं संविधान में, जैसे 12 अनुसूचियां हैं तो 12 में 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, 14 लैंग्वेजेज। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। दूसरा, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में हैं, तो कौन सी इसमें 14 के बाद 15वीं कौन सी जोड़ी गई थी, फिर तीन इसमें भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, चार बाद में इसमें जोड़ी गई और एक और भाषा की बात चल रही है जो ऐड किया जा सकता है इसमें, खासी भाषा जो मेघालय में बोली जाती है, खैर अभी नहीं जोड़ी गई। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं, मूल संविधान में कितनी थी 14, फिर एक जोड़ी गई इसमें, इसमें संविधान संशोधन किया गया था 1967 में, तो इसमें सिंधी भाषाएं जुड़ी, फिर तीन भाषाएं जोड़ी गई, तो कितनी 14 + 1 = 15 + 3 = 18 + 4 = 22। बाद में फिर बोडो, इसमें डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। खैर, अब इन भाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं, अलग अलग कौन सी किस राज्य में भाषा बोली जाती है, एक राज्य में दो भाषाएं भी बोली जाती हैं या फिर एक भाषा को दो या तीन राज्यों में भी बोला जाता है। जैसे असमिया भाषा, असमिया भाषा कहाँ पर बोली जाएगी, असम में या पूर्वोत्तर राज्यों में असम भाषा बोली जाएगी। ये हमारी किसमें, 8वीं अनुसूची में भाषाएं लिखी हुई है। दूसरी, बंगाली भाषा, बंगाली किसमें, बंगाल राज्य में बोली जाती है या पूर्वोत्तर राज्यों में और भी। नंबर 3, गुजराती, गुजराती किस भाषा राज्य में, गुजरात राज्य में। नंबर 4 हो जाएगी हिंदी, तो हिंदी कई राज्य हैं हिंदी भाषी हैं, जो उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान कहिएगा, ये कई राज्यों में बोली जाती है और वहाँ की ये प्राथमिक भाषा भी है। कहीं कहीं राज्यों में हिंदी को सेकेंडरी लैंग्वेज भी माना गया, जो राजकीय भाषा है वहाँ की। तो ये राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी हमारी, उत्तर प्रदेश की हिंदी, राजस्थान की भी, मध्य प्रदेश की भी है। जैसे बिहारी भाषा होती है तो बिहार की, इसमें फिर अलग अलग जैसे कहिए कि वैरायटी हो जाएंगी। खड़ी बोली भी किसका रूप है कि हिंदी का ही रूप है, तो खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसे ही कन्नड़ भाषा कहाँ पर बोली जाएगी, कर्नाटक में बोली जाती है। और ऐसे ही देखते हैं तो कश्मीरी भाषा किस में, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाएगी, वहाँ की कश्मीर की एक सेकेंडरी लैंग्वेज भी है उर्दू, बल्कि उसको प्राथमिकता के दर्जा दिया गया था कभी और कभी सेकेंडरी। तो उत्तर प्रदेश की जैसे हमारी सेकेंडरी कौन सी, उर्दू, ऐसे ही कश्मीर में भी, तो कश्मीरी कहाँ बोली जाएगी, कश्मीर में। मलयालम भाषा केरल में, कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि इसमें मालाबार में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये आ जाएगी मलयालम। मलयालम किस राज्य की है, केरल की, तो इम्पोर्टेंट एक ही भाषा है। आगे मराठी, मराठी किस राज्य में बोलते हैं, महाराष्ट्र में या कहिए कि पश्चिमी घाट में, और गोवा में भी बोली जाती है, वैसे गोवा में होती है इसमें कोंकणी, लेकिन मराठी भी बोलते हैं, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाएगी। ओडिया भाषा, ओडिया कहाँ, उड़ीसा में, तो उड़ीसा राज्य की भाषा कौन सी, ओडिया। ऐसे ही पंजाबी कहाँ की, पंजाब की, कुछ तो नाम से ही है रिलेटेड उनके, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, देखना उत्तराखंड में अभी संस्कृत को सेकेंडरी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जो वहाँ की राजकीय प्रोविंशियल लैंग्वेज है, जैसे हमारी कौन सी हिंदी, तो ऐसे ही उत्तराखंड में दूसरी भाषा कौन सी वहाँ पर, संस्कृत है ना, हमारी दूसरी भाषा कौन सी उत्तर प्रदेश की, उर्दू, ऐसे ही उत्तराखंड की संस्कृत बनी है। और उत्तर प्रदेश में भी संस्कृत बोली जाती है कुछ जिलों में, जैसे जो नेपाल की तराई के क्षेत्र होंगे या वाराणसी में भी कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। अच्छा, नंबर 12 हो जाएगी इसमें तमिल, तमिल कहाँ बोली जाएगी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में भी और पांडिचेरी में भी। देखना जो पांडिचेरी राज्य है उसकी राजधानी पुदुचेरी तमिलनाडु में स्थित है, है ना, तीन राज्यों में पांडिचेरी है, केरला में और तमिलनाडु, इसमें तमिल में, और एक आ जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश में, उसका कुछ जिला शामिल है। ओके, नंबर ये कितने हुए, 12। अब नंबर 13 देखिएगा आप, 13, तेलुगु भाषा, तेलुगु कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, है ना, तेलंगाना के कुछ भाग में भी ये तेलुगु बोली जाती है। और उर्दू भाषा उत्तर प्रदेश और कश्मीर में बोली जाएगी, कश्मीर की सेकेंडरी लैंग्वेज भी है, हमारी उत्तर प्रदेश की भी सेकेंडरी लैंग्वेज उर्दू है ना।
देखना, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रेलवे बोर्ड होते हैं रेलवे स्टेशन पर, वहाँ कितनी भाषाओं का उल्लेख होता है? वहाँ तीन भाषाएं होती हैं, उस पर कौन कौन सी तीन भाषा? जैसे आप ये समझिए रेलवे बोर्ड बना हुआ है ना, जहाँ स्टेशन का नाम होता है लिखा हुआ, तो स्टेशन के नाम के ऊपर मान लीजिए सहारनपुर लिखना है, तो एक तो इंग्लिश में सहारनपुर होगा लिखा हुआ, एक हिंदी में होगा सहारनपुर, और एक वहाँ की स्थानीय भाषा में होगा। स्थानीय भाषा कौन सी? हमारी लोकल जो लैंग्वेज है सेकेंडरी लैंग्वेज का, ये उर्दू, एक उर्दू में यहाँ पर होगा। ये केवल यूपी की बात हो रही है, जिस राज्य में भी वहाँ पर उसी राज्य का नाम, मान लीजिए पंजाब में भटिंडा लिखना है, तो स्टेशन का जो बोर्ड होगा रेलवे स्टेशन का, एक तो भटिंडा इंग्लिश में होगा लिखा हुआ, एक भटिंडा हिंदी में होगा, और एक पंजाबी लैंग्वेज में भटिंडा होगा जो देवनागरी लिपि उसमें होगा, सॉरी गुरुमुखी लिपि में। और ये पूरा जो बोर्ड बनता है रेलवे का जिस पर वो लिखते हैं, ये पीली बैकग्राउंड का होगा, येलो, ये येलो होगा, और इस पर ब्लैक लिखावट होगी, ब्लैक इंक से, यानी कि काली तो इस पर लिखावट होगी और इसकी बैकग्राउंड होगी पृष्ठभूमि वो पीली होगी, तीन भाषाओं में इसका नाम होगा, और यहाँ पर एक समुद्र तल से ऊंचाई होती है लिखी हुई। देखना एक अलग चीज़ है, हालांकि भाषाओं का हम टॉपिक कर रहे हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि समुद्र तल से ऊंचाई, यहाँ अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई ये हो जाएगी 248 या 245 मीटर। हम ये क्यों लिखते हैं? एक कॉर्नर पर लिखा रहेगा रेलवे स्टेशन पर, तो ये इसलिए चूँकि रेलवे इंजन की जो स्पीड है वो इसी पर डिपेंड करती है कि समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पर है ना यात्रा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से एडजस्ट की जाती है स्पीड है ना। तो समुद्र तल से ऊंचाई, अब बात यह आती है कि हम समुद्र तल कौन सा लेते हैं, कहां पर हमारा समुद्र तल है, जीरो बेस हम किसको माने? तो तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वहां पर तीनों समुद्रों का मिलन है, उसको हम जीरो मानते हैं, यानी कि वहां से लिया गया है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो ये बोर्ड पर इतनी ऊंचाई लिखनी पड़ेगी, और उसको हम डेंटम लाइन बोलते हैं, यानी कि जहाँ से हम जीरो लेवल मेजर करते हैं किसी स्थान की ऊंचाई के लिए, जो जीरो लेवल होगा उसको डेंटम लाइन। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि भारत की डेंटम लाइन किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर हमारे तीनों समुद्र मिलते हैं। तीन समुद्र भारत में कौन कौन से हैं इसकी अगर बात करते हैं, जैसे दक्षिणी भारत है, यहाँ पर क्या है, ये तमिलनाडु, ये कन्याकुमारी हो जाएगी, यहाँ तो क्या अरब सागर, ये तो अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर हिंद महासागर, इंडस ओशियन, हिंद महासागर, ये तीनों समुद्र यहाँ पर मिलते हैं। तो जो ये तीनों समुद्र मिलते हैं ये कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो कन्याकुमारी से इसको डेंटम लाइन कहेंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं यानी कि किसी स्थल पर ऊंचाई का स्तर बढ़ता है वो समुद्र तल से ऊंचाई मानी जाती है ना, और उसको किससे ज्ञात करते हैं? हाइपोमीटर या हिप्सोमीटर, हाइपोमीटर या हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर से हम क्या नापते हैं? किसी स्थान के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, एक डिवाइस होगा तो उसमें रीडिंग आ जाएगी कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, मान लीजिए कहीं पर 300 मीटर है तो 300 मीटर की वहां पर रीडिंग आ जाएगी। खैर ये एक अलग क्वेश्चन था। तो इसमें हमने लैंग्वेज कितनी पढ़ी है? 14। अब लैंग्वेज आई है 15। मूल संविधान में कितनी भाषाएं लिखी हुई थी? 14, 14 भाषाएं लिखी हुई थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22, यानी कि हमने 14 के बाद फिर एक भाषा जोड़ी जो 15 हुई, 15वीं भाषा, फिर तीन भाषाओं को एक साथ जोड़ा, 15 और 3 18, फिर हमने चार भाषाएं उसमें जोड़ी थी, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हुई हैं? ये 22 भाषाएं, 22। इसके बाद में अगर एक जोड़ सकती है तो खासी भाषा जो मेघालय में बोली जाती है। खैर हम 15वीं भाषा की बात करते हैं, 14 तो ये लिखी हुई है ना, 15 15वीं जो भाषा थी ये सिंधी भाषा पंजाब में बोली जाती है ना, पंजाब का जो क्षेत्र है, हालांकि सिंध नाम का कोई राज्य हमारे देश में अब नहीं है, ये तो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। आज भी जो भारत में पंजाब है इसमें जो मुस्लिम समुदाय है ये सिंधी भाषा बोलता है, तो सिंधी जो भाषा थी ये पंजाब में बोली जाती है, और इसमें 21वां संविधान संशोधन 1969 में करके इस भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, हमारी नई इसमें 8वीं अनुसूची में ये भाषा जुड़ी थी। उसके बाद में फिर भाषा नंबर 16, 17 और 18, इसमें कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 71वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार क्या हुआ? तीन भाषाएं कौन कौन सी? कोंकणी। अब ये देखिएगा कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोंकणी जो भाषा बोली जाएगी, कोंकणी गोवा में बोली जाएगी भाषा है, तो गोवा, गोवा का जो क्षेत्र पड़ता है। 17वीं जो भाषा है मणिपुरी, ये मणिपुर में बोली जाती है। और एक नेपाली भाषा, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो तराई का क्षेत्र होगा, देखना तराई
क्या होती है, जैसे हिमालय की जो तलछटी होगी, एक पर्वत होता है और एक पहाड़ होता है। पर्वत क्या होते हैं, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, वो क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई उससे कम होती है वो पहाड़ी या पहाड़ी हो जाएगी। ये पर्वत की 3 शर्तें होती हैं। तीन क्या क्या, एक तो उसकी ऊंचाई कितनी 1000 मीटर होनी चाहिए, दूसरा उसमें 2 तेज ढलान होने चाहिए, शार्प एज होने चाहिए, और उसकी जो विजिबिलिटी है, दृश्यता, वो 300 मीटर की दूरी से हमें दिखाई देनी चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ दृश्यता का, विजिबिलिटी का, कि हम वहाँ पर देख कर बता सकते हैं कि इस पर घास या प्लांटेशन कौन सी उगी है, मतलब वहाँ पर सागौन के पेड़ उगे हैं उस पर्वत पर, या फिर उसके साल के वृक्ष हैं, शीशम के वृक्ष हैं, यूकेलिप्टिस के वृक्ष हैं, तो वो क्या जाएगा, हम उसमें विजिबिलिटी देख सकते हैं कि इसकी दृश्यता कितनी है। तो पर्वत की 3 क्या कंडीशन होती हैं, एक तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 1000 मीटर होनी चाहिए कम से कम, अगर 1000 मीटर से ज़्यादा है तो पर्वत, अगर कम है तो पहाड़। पर्वत को माउंटेन कहते हैं और पहाड़ को हिल कहते हैं इंग्लिश में, पहाड़ और पहाड़ी एक ही शब्द है दोनों। तो ये जो नेपाली भाषा है, ये जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो बेस होगा नीचे तलछटी, जिसको बेनित बोलते हैं, उसे तराई यानी कि ढलान से जो उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा, तो वहाँ कौन से ज़िले हमारे जो नेपाल से मिले हुए हैं, कौन कौन से, जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर है ना, ये बहराइच, ये सब उसकी तराई में आ जाएंगे, और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ है, चंपावत है, बागेश्वर है, ये सब क्या हो जाएगा, नेपाली भाषा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है, कुछ क्षेत्रों में ही, एक राज्य में कई भाषा बोली जाती हैं, है ना, और एक भाषा को कोई राज्य में बोला जा सकता है, ऐसे भी समझिए। तो जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में, और 3 भाषाएं, कोंकणी कहाँ पर, गोवा में। अब कोंकणी के बारे में जानिए आप, कोंकणी क्या है, कोंकणी एक तट का नाम है, जैसे अभी हमने चर्चा की थी, एक मिनट ये आपको बता देते हैं, और अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो हमारा दक्षिणी का क्षेत्र होगा, जैसे अगर हम ये दक्षिणी भारत बनाते हैं, ये दक्षिणी भारत है, यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र है ना, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये क्षेत्र हो जाएगा, ये तो पूर्वी घाट होता है, और ये पश्चिमी घाट होगा, है ना, पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट में जो ये क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, और यहाँ पर कर्नाटक, ये केरल, और ये तमिलनाडु, ये क्या, कर्नाटक। जो गोवा का ये क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाएगा। ये चीज़ क्या है, कोंकण तट, तट क्या होता है, कोस्ट, जो समुद्र से सटा हुआ हमारा सीमा होती है, हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कोंकण तट। पूरा क्या है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है इसको सह्याद्री बोलेंगे, और जो गोवा का है, गोवा को कोंकणी तट कहेंगे। तो यहाँ पर कोंकणी भाषा, कोंकण की पहाड़ियाँ, कोंकण का तट, और जो गोवा में है पणजी में कोंकण रेलवे भी। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोंकण रेलवे की जो रेलगाड़ियाँ हैं उनका विस्तार कहाँ तक है, तो कहीं पर बुक्स में 6 राज्य भी लिखा है, कहीं पर 4 राज्य लिखा है, तो मेरा ये मानना है कि वो 6 राज्यों में होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, 6 राज्य कौन कौन से, यानी कि कोंकण रेलवे की रेलगाड़ियाँ कहाँ कहाँ चलती हैं, ये इसमें चलेंगी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में विस्तार है। जैसे उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली की जो रेलवे की है तो लगभग पूरे राज्य में जाती हैं सभी में, तो इसका विस्तार प्रत्येक राज्य हो जाएगा। ऐसे ही जो कोंकण रेलवे है उसका विस्तार कहाँ तक है, 6 राज्यों में, ऊपर ये गोवा भी आ जाएगा इसमें, है ना, यानी कि गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इनमें क्या हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा। लेकिन अगर ये आता है कि कोंकण रेलवे कहाँ का मुख्यालय कहाँ है, तो पणजी, और कोंकण तट कहाँ है, हम गोवा लगाएंगे इसका आंसर, ओके। तो ये 3 भाषाएं थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये कब जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन करके, और कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है स्पेशली। और एक हमारे संविधान में जो विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा कौन सी, नेपाली, और जबकि सबसे बड़े राज्य की भाषा राजस्थानी, इसके भारतीय संविधान में नहीं उल्लेखन उसका, चूँकि राजस्थानी इसलिए नहीं, राजस्थानी भाषा भी एक हिंदी का ही रूप है, ओके। नेक्स्ट, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो 92वें संविधान संशोधन 2004 में हुआ था। 4 भाषाएं कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो बोडो कहाँ पर है, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में क्या, असम आ जाएगा इसमें, जैसे असम के क्षेत्र में बोडो भाषा बोली जाती है, और पूर्वोत्तर में और भी बोली जाती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक नए राज्य की मांग चल रही है बोडोलैंड की, तो बोडोलैंड राज्य किससे अलग होकर बनेगा, याद रखिएगा इसका आंसर, पश्चिम बंगाल। वो जब बनेगा तो पश्चिम बंगाल से बनेगा, वेस्ट बंगाल से। जैसे उत्तराखंड हुआ है किससे, यूपी से अलग होकर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और झारखंड बिहार से अलग होकर बनाया गया। ऐसे ही पश्चिम बंगाल से एक नया राज्य अगर बना, तो चूँकि मांग वहाँ पर चल रही है, बोडोलैंड बनेगा वो,
है ना। लेकिन जो बोडो भाषा है पूर्वोत्तर में असम में अरुणाचल प्रदेश मेघालय में बोली जाती है। मेन चीज़ अगर एक राज्य लगाना पड़े तो हम असम लगाएंगे इसका आंसर। डोगरी भाषा कश्मीर हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, देखना कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर डोगरी भाषा भी बोली जाती है जो पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन जो आया हुआ है पहाड़ी क्षेत्र आया हुआ है कि उत्तरी पहाड़ी का क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है। आगे आइए 21 21वीं भाषा फिर कौन सी जोड़ी गई इसमें, संथाली। संथाली झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पूर्वोत्तर राज्य कुछ बिहार के क्षेत्र में भी बोली जाती है संथाली भाषा। ऐसे मैथिली भाषा जिसको 22वां क्रम दिया गया था, मैथिली भाषा बिहार और झारखंड में बोली जाती है। देखना बिहार में बिहारी भी भाषा होती है, मैथिली भी होती है वहाँ पर, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र विस्तार के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित है। तो ये कितनी टोटल भाषा हुई, 22 भाषाएं। इसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। 15वीं हमने कौन सी जोड़ी, सिंधी भाषा। 16 17 और 18 भाषाएं कौन सी, मणिपुरी नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई। और ये इसमें 19 20 21 और 22वीं भाषा चार जो एक साथ जोड़ी थी, ये हमने 12वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ था। तो इसमें चार भाषाएं जोड़कर टोटल अब कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। 23वीं भाषा अगर जोड़ी जाती है तो 23वीं भाषा एक खासी भाषा जोड़ी जाएगी जो इसमें मेघालय में बोली जाती है। एक और क्वेश्चन इसके साथ साथ कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख है, वहां पर 17 भाषाएं, 15 प्लस 2 उसके भी समझते हैं। देखना जो भारतीय करेंसी नोट होगा, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं हैं, 15 प्लस 2 बराबर 17 भाषाएं। 15 भाषाएं कौन कौन सी, ये तो एक बॉक्स में अलग से लिखा गया 15 भाषाओं को। तो और जो दो भाषाएं हैं, दो भाषाओं में ऊपर लिखा है आरबीआई का, एक तो नाम लिखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा गया है, जबकि नोट पर कोई हिंदी में उसका उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, क्वेश्चन है कि जो बॉक्स ये बना हुआ है, इस बॉक्स में सबसे ऊपर कौन सी भाषा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे ऊपर भाषा रहेगी मलयालम, और सबसे नीचे 15वें नंबर पर रहेगी उर्दू भाषा। ये पुलिस में क्वेश्चन आए हुए हैं, एसआई में भी आया हुआ है और कांस्टेबल परीक्षा में भी आया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है ना कि सिग्नेचर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, रिजर्व बैंक में एक मुख्य गवर्नर होता है तो गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, उसी के नाम से नोट जारी माना जाएगा। हाँ, एक रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वो वित्त सचिव के होते हैं। एक रुपया का सिक्का या उससे कम वैल्यू के चाहे नोट हैं या सिक्के हैं, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, हालांकि वो चलन में नहीं है, लेकिन 50 पैसे का सिक्का या 25 पैसे का सिक्का, 10 का या 20 का या 1 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का नोट, चाहे 1 रुपये का नोट है या 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपया तथा उससे कम वैल्यू के जितने भी करेंसी हमारे नोट होंगे या फिर जितने भी पॉइंट्स या सिक्के होंगे, सभी पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। उससे अधिक वैल्यू के नोट और सिक्के जितने भी हैं, वहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो 10 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का भी वित्त सचिव के होते हैं, नहीं, सिर्फ 1 रुपये की वैल्यू पर होते हैं उसके। ओके, तो जहाँ पर सिग्नेचर होते हैं नोट पर, नोट के पास होता है लिखा हुआ कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, है ना, उसी की साइड में एक बॉक्स होता है बना हुआ, आप उसमें देखिएगा किसी नोट पर, तो इसमें बॉक्स में 15 भाषाएं लिखी हुई हैं, सबसे ऊपर मलयालम, सबसे नीचे उर्दू भाषा, और हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम लिखा हुआ है, तो ये दो भाषाएं भी जोड़ी जाएंगी। टोटल कितनी भाषा है, 15 प्लस 2 बराबर 17 भाषा। अगर क्वेश्चन आता है कि बॉक्स में कितनी भाषाएं, तब हम 15 नंबर ऑफ्ट करेंगे, 15 लगाएंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेज प्रिंटेड इन द करेंसी नोट, तब हम लगाएंगे इसमें 17 लैंग्वेज। तो ये भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन है। एक और इसके साथ साथ चर्चा करते हैं, क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी। देखना राष्ट्रीय ना होकर राजवर्ड होता है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा हमारी हिंदी, क्योंकि वो पूरे भारत के साथ साथ कई राज्यों की एक राजकीय भाषा भी है, प्रोविंशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट, या तो किसी ना किसी वो राज्य की राजकीय भाषा है, इसके साथ साथ पूरे देश की भाषा है, इसलिए एक इससे भी बड़ा जो शब्द होगा राजभाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा ना होकर राजभाषा, तो राजभाषा हमारी कौन सी हो जाएगी, हिंदी भाषा हो जाएगी। तो ये भाषाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, हमने सभी कवर करने की इसमें कोशिश की है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है कुछ भी, कमेंट बॉक्स में वो लिखकर बताइएगा, और अगले हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं वो भी आप बताते रहिए। हालांकि कोशिश ये करेंगे कि पहले संविधान की जो वीडियोज हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, संविधान की एक प्लेलिस्ट पहले से ही बनी हुई है, हम उसी में ऐड करते हुए जा रहे हैं, उसके बाद में हम फिर आईपीसी या मूल विधि की बनाएंगे, स्पेशली जो पीसीएस में भी आता है और एसआई पुलिस की जो आने वाली है इसमें वैकेंसी, उसमें अलग से डिफाइन किया गया है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।